हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरु जी। आज हम डिस्कस करेंगे गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी एक एनिमल फीड और एग्री बिजनेस कंपनी है। कंपनी के 5 बिजनेस वर्टिकल्स है, जैसे एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, पाम ऑयल, डेयरी और पोल्ट्री एंड प्रोसेस्ड फूड्स। और ये कंपनी का जो डेयरी बिजनेस है, इसके लिए कंपनी ने एक सब्सिडरी बनाया है जिसका नाम है क्रीमलैंड डेयरी। और ये मिल्क सेल करता है, जर्सी ब्रांड के नाम से सेल करता है। और कंपनी का जो पोल्ट्री बिजनेस है, इसके लिए कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया है टाइसन फूड्स कंपनी, जो यूएसए की कंपनी है, इसके साथ कंपनी ने टाई अप किया है। और उसके अलावा कंपनी ओन करता है अराउंड 56.82% स्टेक एस्टेक लाइफ साइंस कंपनी में, जो स्पेशलाइज करता है एग्रोकेमिकल, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ये बनाता है। और ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है एग्रोकेमिकल्स, इंडिया में भी सेल होता है। उसके अलावा अराउंड 24 कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी होता है। और कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है बांग्लादेश में, जिसका नाम है एसीआई गोदरेज, जो एक 50-50 जॉइंट वेंचर है। और ये फोर्थ लार्जेस्ट फीड प्रोड्यूसर है बांग्लादेश में इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। और अब देखते हैं कंपनी का जो बिजनेस है, एनिमल फीड बिजनेस, क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कंपनी का जो एनिमल फीड बिजनेस है, इसमें कंपनी सेल करता है कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, अक्वा फीड और स्पेशलिटी फीड। और कंपनी का अराउंड 35 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें से 10 कंपनी ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर एनम अराउंड 2.36 मिलियन मेट्रिक टन्स का है। और इसके लिए कंपनी के पास पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अराउंड 4,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी ने अपॉइंट किए हैं पैन इंडिया में, पैन इंडिया बेसिस पे। और कंपनी का जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है, इसमें कंपनी मैन्युफैक्चर करता है ऑर्गेनिक मैन्योर्स, जेनरिक एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलाइज हर्बिसाइड्स। और इसके लिए कंपनी ने अराउंड 6,000 डिस्ट्रीब्यूटरों को अपॉइंट किया है। अब देखते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। जैसे इनका जो एनिमल फीड बिजनेस है, ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 2,600 करोड़, क्रॉप प्रोटेक्शन अराउंड 760 करोड़ और पाम ऑयल अराउंड 500 करोड़, और डेयरी बिजनेस अराउंड 1,000 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो एनिमल फीड बिजनेस अराउंड 47%, डेयरी से 23%, क्रॉप प्रोटेक्शन से 20% और पाम ऑयल से 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। और टॉप 10 शेयर होल्डर्स में इनके जो नंबर वन शेयर होल्डर है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो ओन करते हैं अराउंड 63.61% स्टेक। और सेकंड नंबर पर आता है वी साइंस इन्वेस्टमेंट, जो एक तमसे ग्रुप कंपनी है, ये ओन करता है अराउंड 19.97%। और ये टॉप 10 शेयर होल्डर्स है जो ओन करते हैं अराउंड 97.14% स्टेक। प्रमोटर्स एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट, गोदरेज इंडस्ट्रीज का जो एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट वो अराउंड 30 रुपीज़ है, और नादिर गोदरेज का 33 पैसा और आदि गोदरेज का अराउंड 5 रुपीज़ 85 पैसा। और ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये रीपे करना चाहता है कुछ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज इन्होंने अवेल किया था, और उसके अलावा ये रीपे करना चाहता है कुछ कमर्शियल पेपर्स जो कंपनी ने इशू किए थे, उसके अलावा जनरल कॉरपोरेट पर्पस और लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए। और फंड यूटिलाइजेशन में अराउंड जो कंपनी को पैसा मिलेगा फ्रेश इश्यूज, उसमें से अराउंड 100 करोड़ ये वर्किंग कैपिटल का जो रीपेमेंट करना है उसके लिए यूज़ होगा, और अराउंड 150 करोड़ कमर्शियल पेपर रीपेमेंट करने के लिए जो कंपनी ने अवेल किया था। और जो फाइनेंशियल्स के बारे में देख लेते हैं, FY13 में कंपनी का जो रेवेन्यू था अराउंड 2,771 करोड़ का रेवेन्यू था, FY14 में अराउंड 3,117, FY15 में 3,300, FY16 में 3,800, FY17 में अराउंड 4,983 करोड़। यानी कंपनी का अगर हम ग्रोथ वाइज देखेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत अच्छा ग्रो किया, ऑलमोस्ट डबल हुआ है कंपनी का रेवेन्यू। और नेट प्रॉफिट भी देखिए अराउंड 3 टाइम्स ग्रो हुआ है, अराउंड 96.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट था FY13 में, और FY17 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट अराउंड 274 करोड़ है। और EPS बैठता है FY17 के हिसाब से 10.95 रुपीज़ बैठता है, पी रेशो अराउंड 42 है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड 22.71% है। पीयर ग्रुप में हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी एकमात्र कंपनी है जो एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, पाम ऑयल और डेयरी बिजनेस में है, और ऐसा कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जो ये चारों सेगमेंट में ऑपरेट करता हो। IPO के बारे में जान लेते हैं, IPO ओपन होगा 4 अक्टूबर, क्लोज होगा 6 अक्टूबर, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, इश्यू प्राइस बैंड है 450 to 460, और मिनिमम लॉट आपको अप्लाई करना पड़ेगा 32 शेयर्स। रिटेल कैटेगरी में 35% है, और ये इसमें ऑफर फॉर सेल भी है, फ्रेश इश्यू भी है, और ये इश्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है अराउंड 13.12%। इसका जो इश्यू साइज़ है अराउंड 1,157 करोड़ का इश्यू साइज़ है, और उसके हिसाब से मार्केट कैप बैठता है अराउंड 8,813 करोड़, और ये लिस्ट करेगा NSE और BSE पर।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।